बिग बॉस के घर में भाई ऐसा क्या हो गया है आखिर कि अंकिता लोखंडे ने शो तक छोड़ने की बात कर दी है। और यही नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे ने अपने हस्बैंड विक्की जैन को ये तक कह दिया कि भाई तू तो ऐसा ही है और तू यही करने शायद आया है, मैं यहाँ की कंटेस्टेंट ही नहीं हूं ना। आखिर क्या हुआ है ऐसा और क्यों ये बातें अंकिता लोखंडे को बोलनी पड़ी और क्यों इस तरीके की बातें होती हुई दिख रही है बिग बॉस के घर में कि भाई कोई पहले ही दिन बिग बॉस के पहले या दूसरे ही दिन शो छोड़ने की बात कर रहा है, अगर क्या हुआ है ऐसा, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। देखिए ऐसा आपको बता दें कि भाई अंकिता लोखंडे इस समय बिग बॉस के घर में बाहर से तो काफी ज्यादा तैयारी करके आई है। उनके पीआर ने ऑलरेडी खबरें लीक कर दी थी कि भाई इतने कपड़े ले जा रही हैं, वो इतने मेकअप का सामान ले जा रही हैं, मतलब बिग बॉस का घर है या लैक्मे फैशन वीक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था जनता को। लेकिन इस समय अगर देखो तो क्या ये लैक्मे फैशन वीक खत्म होने वाला है, क्या अंकिता लोखंडे की जर्नी खत्म हो रही है? तो आपको बता दें इसी पर कि भाई आज अंकिता लोखंडे थोड़ा सा उदास लग रही है क्योंकि विक्की ने ईशा मालविया को बहुत सारी सच्चाई बताई, थोड़ी सी चुगली भी कर दी अंकिता की, जिसके बाद ईशा ने जाकर यही चीजें अंकिता के पास चुगली कर दी दोबारा से। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था अंकिता का वो ये था कि यार उसको वो ऐसा ही है, विक्की जो है वो ऐसा ही है, उसको नए लोग मिल गए तो खिका खुकी चालू हो जाएगा और अपनों को भूल जाएगा, वो ऐसा ही है। उसको मतलब बोलते ना कि उसका वो आउटलुक ऐसा है, मैं मेरा हो गया बिग बॉस खेल के, बिग बॉस मुझे निकाल दो चाहिए, तो वो असली बिग बॉस कंटेस्टेंट है, मैं यहाँ की कंटेस्टेंट ही नहीं हूँ, वो असली है, उसको बिग बॉस में आना था करके मैं आई। अब मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, लेकिन बाद में ईशा भी उनको बोलती कि दीदी आपको और मेरा जो सिचुएशन है एकदम सेम है। और यहाँ पर तो ईशा का क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ईशा एक ही रट लगाए हुए हैं कि भाई मेरा एक्स ऐसा था, मेरा एक्स वैसा था, मेरे एक्स ने तकलीफ दी, मेरे एक्स ने वो तकलीफ दी। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल रही कि भाई फेक है, बनावटी है। और ये खाली बोलने वाली बात है कि अंकिता एग्जिट लेंगी, लेकिन भाई इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ नहीं लेंगी, क्योंकि 2 करोड़ की पेनल्टी देना 3 दिन में कोई भी नहीं देगा, सीधी सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।